चलिए, लेकिन अब शक्ति पंप्स चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश पाटीदार साहब आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन्स पे साल दर साल आय में बढ़िया 70% का जंप देखने को मिल रहा है, पर स्टॉक जो है थोड़ा दबाव दिखा रहा है। पाटीदार साहब, साल दर साल तो बढ़िया 70% का जंप, पर वो 70% का जंप इसीलिए क्योंकि जिस साल के हम क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं वो लॉकडाउन वाला था, तो बेस भी कमजोर होगा। मेरे ख्याल से दिक्कत ये है कि क्यू ऑन क्यू तिमाही दर तिमाही 50% रेवेन्यू गिर गए सर, ये हाँ। इस तरह से दबाव क्यों, किसका कोविड का इंपैक्ट था और वाकई कितनी डिमांड ठंडी पड़ गई? नहीं आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो हमने ये चैलेंजिंग क्वार्टर हमारे लिए था। फर्स्ट चैलेंजिंग क्वार्टर तो ये था कि हम भी कोविड में थे और हमारी जो कस्टमर है वो भी कोरोना को झेल रहे थे। इसके साथ में हमारे साथ एक और काम ऐसा हुआ कि कुसुम को लेके हम बड़ा अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया और इसमें ये कुसुम में ट्विस्ट ये आया कि दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ लोग हमारे जो टेंडर में पार्टिसिपेट किए हुए थे वो लोग दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए और उन की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ। बाद में मिनिस्ट्री ने इसमें स्टेप लेते हुए ये डिसाइड किया कि नहीं, हम पुराने डेट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते हैं और वो एक्सटेंड हुआ और हम उस बिजनेस में आगे चल रहे हैं। और कोर्ट में अभी ये 2 तारीखों के बाद में ये निर्णय आया कि जो 5 लोगों ने कोर्ट में लगाया था उनमें से 3 लोगों का वो खारिज हो गई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन और 2 लोगों की 12 अगस्त लगी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारे इस डेट कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाते तो हमको वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिले गवर्नमेंट साइड से हो गया। हालांकि मिनिस्ट्री ने एमएनआर ने भी अपने बजट में प्लान किया हुआ है, स्टेट ने भी प्लान किया हुआ है, थोड़ा सा डिले हुआ है इस क्वार्टर में, वो आगे बढ़ के अगले क्वार्टर्स में हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंट है कि 12 अगस्त को जो कोर्ट से निर्णय आएगा उसमें वो कोर्ट का निर्णय कुछ भी आया तो उनको उस टेंडर में एंटर करने के लिए आया तो भी ये टेंडर कोई क्वांटिटी वेस्ट नहीं है, ये टेंडर मार्केट मोड का टेंडर है, इसमें हमारे कस्टमर हमारे साथ है, हमारी क्वांटिटी हमारे साथ है, सिर्फ थोड़ा सा डिले हो गया है। इसके लिए हमारे शेयर होल्डर्स को थोड़ा और हमको भी इस बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम भी जो हमने जो प्लान किया था वो प्लान सही तरीके से नहीं कर पाए। ठीक अच्छा कोर्ट अच्छा एक मिनट लौटर मुझे कुसुम वाला और क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स, तीसरी निफ्टी की कंपनी जिसके नंबर्स आने थे, आज 3 नंबर्स आने थे, तीसरा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक और सीमेंट मेजर की तरफ से। ACC में हमने वो आता हुआ देखा था, इसीलिए सीमेंट रीरेट हो रहा था और अल्ट्राटेक ने भी जस्टिफाई करा उस रीरेटिंग को। एक्सपेक्टेशन से बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, 3,000 करोड़ रुपए के एबिटा की एक्सपेक्टेशन के सामने 3,300 करोड़ रुपए का एबिटा है, तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एबिटा क्लॉक हुआ है। तो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी 25-25.5% के आसपास के मार्जिन होंगे, 28% पे मार्जिन है, यानी कि उम्मीद से 250-300 basis points बेहतर देखने को मिले हैं। और इसीलिए नंबर्स अच्छे आने थे क्योंकि अब लास्ट ईयर जैसे पाटीदार साहब से भी इनकी कंपनी की बात हो रही है, साल दर साल सबके नंबर्स बेहतर दिखने थे, पर जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की उससे बेहतर डिलीवर करा है स्टॉक। तो खैर क्या मजबूती के साथ इस समय कामकाज, ऑलमोस्ट 1% का उछाल, 1.25% का मेरी स्क्रीन पे उछाल नजर आ रहा है। 75-54 तो अपने हाईस पे, तो वैसे ही इस समय जहां खड़ा है उसी हाईस के आसपास कामकाज होगा, बढ़िया मोमेंटम। अच्छा पाटीदार साहब, तो कुसुम से बड़ी उम्मीद थी, कुसुम वो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वो सब्सिडी वाला गेम था, उसमें आपको ऑर्डर्स रोल आउट होने थे, आप कह रहे हो वो सब क्वांटिटी इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, बस इस कोर्ट प्रोसीडिंग से चलते थोड़ा डिले हो गया है। अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का डिले मतलब ये कितना बड़ा ओवरहैंग हो जाता है सर, कॉन्फिडेंस है कि अब Q1 में नहीं हुआ Q2 ऑनवर्ड्स पिकअप हो जाएगा, या कहना मुश्किल है कोर्ट में चला गया है तो पता नहीं कितना समय लग जाए? नहीं नहीं एक्चुअली मिनिस्ट्री ने इसको हमारा जो पुराना रेट कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी हमारे पास ऑर्डर बुक तो करीब 150 करोड़ की है और आगे भी ये अगस्त तक हमारे को जो इसमें जो एक्सटेंड हुआ है वो 30 सितंबर तक हुआ है, तो 30 सितंबर तक तो हम काम कर ही पाएंगे अब, और कोर्ट का जो डिसीजन है 12 अगस्त तक आ ही जाएगा, हमारा ऐसा मानना है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 12 अगस्त को जो कोर्ट का जो भी निर्णय आए यस कुसुम चल पड़ेगी जो अभी रुकी हुई है। नया टेंडर चल पड़ेगी। अच्छा एक और दिक्कत थी, शार्प डिटोरिएशन, शार्प दबाव है मार्जिन्स में, वो साल दर साल भी 12% का 8% के नीचे आ जाता है, 400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये इसीलिए कि एक कुसुम वसुम का इंपैक्ट था, यूटिलाइजेशन कम हुआ सर इसीलिए ये सब हुआ? और क्योंकि समय कम है तो एक सवाल, आपको कहीं जाना भी है, आपके एनालिस्ट कॉल भी है,
हजार करोड़ रुपए की बोरोइंग की तैयारी हो रही है, जिसके चलते एसेट्स को गिरवी रखने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। तगड़ी बोरोइंग की तैयारी इसी कैलेंडर ईयर में निपटाना है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारे पास एक 250 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ युगांडा का ऑर्डर है, उसको भी इस क्वार्टर में हम लोग आगे लेके जाएंगे। उसके लिए कुछ बैंक गारंटीज चाहिए, उसके लिए भी कुछ फंड्स की व्यवस्था चाहिए। और चूंकि हम ये जो सोलर पंपिंग में है, और सोलर पंपिंग में हमको कुछ ऊंचा टारगेट हम देख रहे हैं अपने आप को, हम जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी उस समय हम 2000 करोड़ की का हम प्लान कर रहे थे, अभी 1000 करोड़ की कंपनी थी, तो हमको जो वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा लगता है वो भी लगता ही है। हालांकि आज की तारीख में हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में जरूर हम ऊंचा सेल भी देख रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, मार्जिन की बात ऐसी है कि चूंकि रॉ मटेरियल में सभी जगह मार्जिन में थोड़ा इफेक्ट आया था, और उसको हमने कंट्रोल करते हुए कुछ जगह हमारी जहाँ हम जो कर सकते थे उस पर कंट्रोल करते हुए आगे किया। लेकिन ये जो नया टेंडर जैसे हम जो 12 अगस्त को खुल जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी रेट कुछ बढ़े हुए मिले हैं हमको, तो इसका भी हमको फायदा मिलेगा। और एसएस और एमएस की जो रेट का जो इफेक्ट बीच में इस क्वार्टर में आया है, हमें लगता है कि थोड़ा उसमें भी कुछ आने वाले समय में थोड़ा सा रॉ मटेरियल रेट हमारे कम होंगे। अगर आप हमारे डाटा देखोगे तो रॉ मटेरियल जो है 69% कास्ट हमारी पिछले क्वार्टर में थी, अभी वो 72% हो गई है। तो ये जो 3% हमको रॉ मटेरियल से हिट मिली है, जो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। चलिए पाटीदार साहब, थोड़ा सा पेन इस क्वार्टर में, सर कॉन्फिडेंट है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात वापस बहाल होते हुए नजर आएंगे, और अब एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जा रहे हैं पाटीदार साहब। उम्मीद कर रहा हूँ सर यही बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे वहां पे। इस उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर आएगी, भारतीय एयरटेल ने अपने कॉरपोरेट पोस्टपेड टैरिफ को 30 से 40% बढ़ा दिया है। इस डेवलपमेंट में नजर, लेकिन ब्रेक के उस पार।